अविनाश जी, आपसे राय जाएंगे हडको पर। उम्मीदें ज्यादा थी लेकिन उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दी है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी काफी ज्यादा सस्ता शेयर है ये। आपको लगता है कि इसमें निवेशित रहना चाहिए? ठीक फैसला होगा ये? देखिए, मुझे लग रहा है कि हडको ऐसे सेगमेंट में काम करता है जैसे माड़ा और लो कॉस्ट हाउसिंग में काम करता है, और बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे वो बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया 1.5-2 साल का अगर है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए हमको लग रहा है कि डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है। कंपनी ने पिछले 1.5-2 साल में कोई बड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इनका बैलेंस शीट है, इनका लोन बुक है, प्लस जो एश्योर्ड गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वहां पे इनको ग्रोथ जरूर मिलेगा। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि कंपनी का बुक वैल्यू कम से कम 60-65 रुपया है। इसके बाद जो आने वाला साल है वो इनके लिए काफी अच्छे रहेगा। तो करंटली मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए, इनको डेफिनेटली लॉस में पोजिशन बुक ना करना चाहिए। ठीक है, हडको पर अविनाश जी का ये व्यू।